बुलेटिन के आगाज पर आपको बताएं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की पैरोल पर रिहाई की मुद्दत आज खत्म हो रही है। बेगम कुलसुम नवाज के इंतकाल के बाइस तीनों कैदियों को पैरोल पर अडयाला जेल से रिहा किया गया था। खानदानी ज़राए के मुताबिक सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ अपने भाई नवाज शरीफ, भतीजी मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को अडयाला जेल छोड़ने जाएंगे, जिसके बाइस वो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत नहीं कर सकेंगे। इसी पर बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ लाहौर न्यूज़ अरसलान रफीक भट्टी। अरसलान, बताइएगा, आज मुद्दत ख़त्म हो रही है साबिक वज़ीर-ए-आज़म, उनकी बेटी और दामाद की। जी नीलम, बिल्कुल, आपने जिस तरह बताया कि 4 बजे के करीब जो है वो मुद्दत खत्म हो रही है, तो साबिक वज़ीर आला और सदर मुस्लिम लीग नून मियाँ शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई मियाँ नवाज शरीफ, अपनी भतीजी मरियम नवाज और उनके जो है खावन कैप्टन सफदर, इन तीनों को लेकर जो है खसूसी जहाज के जरिए तकरीबन 12 बजे के बाद, जब बताया जा रहा है, खानदानी जराए भी वक्त नहीं बताया उन्होंने, लेकिन यह है कि 12 बजे के बाद जो है उनको लेकर जो है वो वापस इस्लामाबाद रवाना होंगे और जाके 4 बजे से पहले पहले जो है अडयाला जेल में वापस जो है उनको वहां पर जो है वो पहुंचा देंगे। इस हवाले से तमाम जो जेल हुकाम के साथ और दीगर इदारों के साथ जो है वो बातचीत जो है वो तय हो चुकी है, और अब यह है कि चूंकि आज उनकी रिहाई की जो मुद्दत थी 5 रोजा पैरोल की, पहले 12 घंटे हुई थी, उसके बाद 5 दिन की उनकी रिहाई मुमकिन हो सकी थी, और उसके बाद आज वो मुद्दत जो है शाम 4 बजे तक जो है खत्म कर दी जाएगी, जिसके बाद उनको वापस हर सूरत अडयाला जेल पहुँचाना होगा। जी बहुत शुक्रिया आपका अरसलान रफीक भट्टी, आप हमें अपडेट कर रहे थे।